पिछले वीडियो में हमने सिगमंड फ्रायड के जीवन यात्रा और उनकी मनोविश्लेषण की दुनिया की एक झलक देखी। आज हम जानेंगे उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जो मनोविज्ञान की नींव माने जाते हैं। फ्रायड ने आईडी, ईगो और सुपर ईगो नामक तीन तत्वों एलिमेंट्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, शेप देते हैं, द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ ह्यूमन साइकी। सबसे पहले बात करते हैं आईडी की। फ्रायड के अनुसार आईडी हमारे अवचेतन मन का वह हिस्सा है जिसमें हमारी सभी मूलभूत इच्छाएं और जरूरतें छुपी होती हैं। इसे आप हमारे अंदर के जंगली पक्ष के रूप में समझ सकते हैं जो तत्कालिक संतुष्टि चाहता है। फिर आता है ईगो, जो हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो आईडी और वास्तविक दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखता है। ईगो हमारे व्यवहार को इस तरह से नियंत्रित करता है कि हम समाज में स्वीकार्य बने रहें, स्वीकृति बनी रहे। अब बात करते हैं सुपर ईगो की, जो हमारी नैतिकता और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह आवाज है जो हमें सही और गलत का भान कराती है, सही और गलत की पहचान कराती है। जब आईडी कुछ गलत करना चाहता है तो सुपर ईगो उसे रोकने की कोशिश करता है। इन तीनों के बीच का संघर्ष ही हमारे मानसिक जीवन की दिशा निर्धारित करता है। फ्रायड का मानना था कि अगर इन तीनों के बीच सही संतुलन ना हो तो व्यक्ति मानसिक समस्याओं का शिकार हो सकता है, क्योंकि इन तीनों के बीच का संघर्ष ही हमारे मानसिक जीवन, मनोवैज्ञानिक जीवन को प्रेरित करता है, उसकी दिशा को संतुलित रखता है और उसे नियंत्रित करता है। इसके अलावा फ्रायड ने ड्रीम एनालिसिस, सपनों के विश्लेषण यानी सपनों के विश्लेषण की भी बात की है। वे मानते थे कि हमारे सपने हमारे अवचेतन की गहराइयों में छिपी इच्छाओं और भावनाओं का प्रतीक होते हैं। सपनों के माध्यम से हम अपनी अनजानी इच्छाओं को समझ सकते हैं। फ्रायड के सिद्धांतों ने मनोविज्ञान को एक नई दिशा दी, लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत से विवाद भी पैदा किए। उनके विचारों को कुछ लोग अतिवादी मानते थे, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने हमें इंसानी दिमाग, मनुष्य के मन और दिमाग और उसके व्यवहार को समझने का एक नया तरीका सिखाया। तो दोस्तों, ये थी फ्रायड की कुछ प्रमुख सिद्धांतों की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम और भी रोचक मनोवैज्ञानिक विचारों और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और फ्रायड की दुनिया में, सिगमंड फ्रायड की दुनिया में और गहराई में उतरेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।